दोस्तों हमारे साथ फिल्म सिटी की स्टार कास्ट है, आइए उनसे जानते हैं फिल्म की कुछ खास बातें। जिम जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँ इस फिल्म के बारे में। हमारी फिल्म है शरीक, है तो ये एक पंजाबी फिल्म, लेकिन पहली बार हम लोग पंजाब से बाहर निकल के इस फिल्म को दिल्ली में और बॉम्बे में प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़े लेवल पे इसको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक काफ़ी बड़े मुद्दे के ऊपर बनाई गई ये फिल्म है। दो भाइयों की आपस में लड़ाई, दो फैमिलीज़ की आपस में लड़ाई, चाचे ताए की आपस में लड़ाई, ज़मीन को लेके, औरत को लेके, एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ पंजाब में नहीं होता है, सब जगह पे होता है, हर घर में होता है, शहरों में होता है, किसी प्लॉट को लेके, किसी दुकान को लेके, दो भाइयों के बीच में आपस में लड़ाई, औरत को लेके आपस के बीच की लड़ाई। तो एक ऐसा मुद्दा है जो आई थिंक हर इंसान इससे रिलेट कर सकता है। एक बहुत ही हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा इमोशनल फिल्म है, एक मुद्दे पर लेके बनाई गई, और इसलिए बनाई गई है कि लोग इस फिल्म को देख के इमोशनल हों और घर जाके अपने भाई को जप्पी डालें और बोलें कि यार ये जो दुश्मनी है इसे हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि बाप दादे की जायदाद जो होती है वो कोई ऊपर लेके नहीं जाता है, ये धरती यहीं पे थी, यहीं रह जाएगी, आप चले जाओगे, तो इससे अच्छा ये है कि हंस खेल के वो ज़िंदगी बिता लो। लेकिन बहुत ही खूबसूरत फिल्म है मुकुल जी। जैसे कि ये फिल्म 22 अक्टूबर दशहरे वाले दिन रिलीज़ हो रही है, जी हाँ, दशहरे वाले दिन रावण का वध करते हैं राम और लक्ष्मण, दोनों के दोनों भाई हैं। इस फिल्म में भी आप लोग भाई का रोल कर रहे हैं, तो आप लोग भाई में आपस में लड़ते हैं या आप भाईचारा बनाना चाहते हैं? जी भाईचारा तो खैर टूट ही जाता है इस फिल्म में, तो बात फिर ले दे के दुश्मनी पे आ जाती है और वो दुश्मनी और बढ़ती रहती है, क्योंकि ज़मीन के बाद फिर एक औरत भी इनके बीच में आ जाती है, उसको लेके भी दुश्मनी और बढ़ जाती है। और हाँ, आखिर में हथियार उठाएंगे एक दूसरे पे, जैसे आपने कहा रावण और राम के बीच जो जंग हुई, करेक्ट। माही जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे इस फिल्म में हमने देखा कि ट्रेन के आगे जिम्मी जी खड़े होते हैं और आप उन्हें खींच लेती हैं, और कहा जाता है कि आप बहुत ज़िद्दी रोल करती हैं, तो ये आपके प्यार की ज़िद है या ये आपका प्यार है? ये प्यार है, क्योंकि मैं चाहती नहीं कि वो इंसान मर जाए, तो इसलिए मैं उनको बचाती हूँ। इस मूवी में कहीं ऐसा नहीं कि एक प्यार के चक्कर में दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई आ रही है? आप बहुत चीज़ें हैं, मैं किसी मतलब एक इंसान नहीं, काफ़ी कैरेक्टर्स के साथ जुड़ी हुई हूँ मैं। यस, एक औरत भी वजह है, एक बहुत बड़ी वजह है औरत और ज़मीन, मेन दो रीजन्स हैं इस फिल्म में। सर, जैसा कि आपने, ये आपकी पहली फिल्म है, ये आपका डेब्यू है, तो आपको इतने बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला, तो आपको कैसा लगा? आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड टू वर्क विद देम, एड्डी वड्डी स्टार कास्ट ना, सीनियर आर्टिस्ट है मेरे साथ, तो इस फिल्म में मेरा डेब्यू है शरीक में, जो 22 अक्टूबर को आ रही है दशहरे वाले दिन। तो इस फिल्म में अगर मैं अपने रोल की बात करूँ, डबल रोल है मेरा इस फिल्म में, दो जुड़वे भाइयों का रोल निभाया इस फिल्म में मैंने, एक सरदार है, एक कट शॉट। तो ये थे फिल्म शरीक की स्टार कास्ट। मैं दीपांश विजय, कैमरामैन आदित्य के साथ न्यूज़ पॉइंट।